शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अपने निवास पर सतर्क रहे सुरक्षित रहे नामक किताब का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने दृष्टि दिव्यांगों के लिए पॉस्को अधिनियम संवेदीकरण सामग्री निर्माण के प्रथम प्रयास का भी शुभारंभ किया। ये पहला इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड और समाधान अभियान द्वारा संचालित चुप्पी तोड़ हल्ला बोल परियोजना के अंतर्गत की गई। अर्चना अग्निहोत्री संस्थापक समाधान इंडिया ने कहा कि इस किताब को लिखने में इंडिया पेस्टिसाइड्स के ESG और CSR प्रमुख श्री रामकृष्णन सुब्रमण्यम जी की प्रमुख भूमिका रही है, जिन्होंने प्रेरित किया कि हम लोग इस विषय पर बच्चों के लिए किताब लिखें। इस किताब में बच्चों को विभिन्न प्रकार के खतरों जैसे शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण से बचने के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसमें बच्चों को सरल भाषा में उनकी आयु के अनुरूप उदाहरणों से समझाया भी गया है। हमारी संस्था समाधान अभियान है और चुप्पी तोड़ हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग इस समय जो काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने किताबें बनाई हैं। ये कार्यक्रम चुप्पी तोड़ हल्ला बोल इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड की तरफ से हम लोगों को CSR प्रोजेक्ट मिला है, उस पर काम कर रहे हैं। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, जो बेसिक शिक्षा के श्री संदीप सिंह जी, उन्होंने हम लोगों की पुस्तकों का अनावरण किया है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ये दो पुस्तकें बनाई हैं हम लोगों ने। एक तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए और उनके अध्यापकों के लिए इंस्ट्रक्शंस कि कैसे बच्चों को सिखाएं, क्योंकि हम लोग बच्चों को जो बताना चाहते हैं, कई विषय बताना चाहते हैं जो कि उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं। पहला तो ये कि बच्चे सुरक्षित घेरा ज़रूर बनाएं। सुरक्षित घेरा से होता क्या है, बच्चे का माइंड सेट में, ब्रेन में एक सेल्फ डिफेंस का टेम्परामेंट क्रिएट होता है कि वो कभी भी अकेला नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चा मुसीबत में पड़ता है तो उसे लगता है कि वो अकेला रह गया है। तो सुरक्षित घेरा बनवाने का और सिखाने का नियम वजह ये होती है। सुरक्षित घेरा बनाने के बाद हम लोग बच्चे को सिखाते हैं उसके निजी अंग क्या है। निजी अंग 4 होते हैं, हर बच्चे को हम लोग सिखाते हैं। निजी अंग 4 होते हैं, ओठ, छाती, टांगों के बीच का सामने का हिस्सा और टांगों के बीच का पीछे का हिस्सा। बच्चों को बताते हैं ये उनके निजी अंग हैं, लेकिन निजी अंग के 5 नियम हैं। 5 नियम क्या हैं, ना तो किसी के निजी अंग देखने हैं, ना अपने निजी अंग किसी को देखने देना है, ना किसी के निजी अंग छूने हैं, ना किसी को अपने निजी अंग छूने देना है। उसके बाद निजी अंग के नाम लेके ना कोई चढ़ाएगा आपको और आप भी किसी को नहीं चढ़ाएंगे। 5वां नियम ये है कि डॉक्टर के पास जब, 4था नियम है कि डॉक्टर के पास जब जाना है तो अकेले नहीं जाना है, आपके सुरक्षित घेरे के लोगों को आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। 5वां नियम यह है, निजी अंगों की साफ़ सफाई भी रखना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपको हर कोई नहीं सिखाएगा, सिर्फ आपके जो सुरक्षित घेरे के लोग हैं वही सिखाएंगे कि अपने निजी अंगों को साफ कैसे रखें, जिससे कि बच्चे को फर्क करना आए कि किससे किस सीमा पे बात करनी है। ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जब नियम है तो नियम टूटते भी हैं, बच्चों को ये बताते हैं हम लोग। और अगर नियम टूटते हैं तो क्या करना है बच्चे को, तो बच्चे को ना कहना है और ना गंभीर भाषा में कहना है। ना के भी 2 नियम हैं, ना बहुत ज़ोर से कहना है और उसके बाद किसी सुरक्षित घेरे, आपके जो सुरक्षित घेरे के लोग हैं उनको बताना ज़रूर है। ना करने के बाद ये नहीं कि आप किसी को बताएं नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। हम लोगों का वजह क्या है कि हमारे समाज में एक ये तरीका है कि बड़ों से मना नहीं करना है, लेकिन अपराधी तो बड़ा ही होता है। और जो स्टडीज़ आई हैं कि 98% टाइम्स अपराधी जान पहचान का या घर का होता है, जिसकी वजह से उनसे बच्चों का जो रिलेशन होता है वो इस तरह का होता है कि बच्चे उनसे उनके बारे में बता नहीं पाते किसी को। इसलिए बच्चों को बताते हैं कि अगर तुम्हारे निजी अंगों के नियम कोई तोड़ रहा है तो चाहे कोई हो, आपको उसको मना करना है और मना करने के बाद किसी को बताना भी ज़रूर है। और सुरक्षित घेरे के लोग कौन होते हैं, जो आपके निजी अंगों के नियम को नहीं तोड़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। छोटा सा बच्चा भी ये बात समझ सकता है कि उसको कैसे अपने को सुरक्षित रखना है। सेक्सुअल अब्यूज बहुत गंभीर समस्या है। हम लोगों ने इसमें, इस किताब के बनाने में इतना ध्यान रखा है, एक एक छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखा है। आप देखेंगे किताब का जो साइज है, बच्चों के जो छोटे बच्चों के बैग होते हैं उसमें भी आ जाएगी। नहीं तो पहले हम लोग A4 साइज में जाल बनाना चाहते थे कि बड़ी बड़ी फोटो आए, लेकिन हम लोगों ने फिर बाद में इंश्योर किया कि बच्चे को हर समय हैंडी होना बहुत ज़रूरी है। इस विचार से हम लोगों ने इसका साइज भी किया। और जस्ट लर्न की आकृति है, इन्होंने हम लोगों के कॉन्सेप्ट को पूरा मूर्त रूप दिया। और ये शीलम वाजपेयी है, हमारी संस्था की डायरेक्टर हैं।
हमारी एक और संस्था की डायरेक्टर है सौम्या द्विवेदी, वो भी अभी यहाँ पे आ जाएंगी, और हम लोगों ने मिलके इसके ऊपर, और ये एक साल के प्रयास नहीं, कई सालों से कर रहे हैं, और हमारी संस्था ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में जागरूकता के कार्यक्रम करे हैं, और हम लोग के पास डिफरेंट मॉड्यूल हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग है क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक का, क्लास 6 से क्लास 8 के लिए अलग मॉड्यूल है, क्योंकि उनकी एज के हिसाब से उनको कुछ और बातें बतानी होती है, क्योंकि उनके हार्मोनल डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। क्लास 9 से क्लास 12 में बच्चे बहुत मेच्योर हो चुके होते हैं, उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन होते वो भी बच्चे हैं, तो उनके लिए हम लोग का अलग मॉड्यूल है सेक्सुअल अब्यूज से बचने का और उससे बाहर निकलने का, और अगर किसी के संग हो जाए तो उसके बाद उसे करना क्या है, ये सब सिखाते हैं उसमें। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए हम लोग का अलग मॉड्यूल है और टीचर्स के लिए, साथ ही हम लोग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हम लोग का एक स्पेशल मॉड्यूल है जिसकी बहुत डिमांड होती है हम लोग यहाँ, क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ को एड्रेस करना बहुत जरूरी, सबसे बड़ा स्कूल का जो हिस्सा होता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन उनको पता नहीं कि उनको कहाँ पर सीमाएँ रखनी है, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कितनी मुसीबत में पड़ेंगे अगर कोई उनसे अनजाने में भी इस तरह का गलती हो गई, और ये अपराध तो बहुत बुरा है ही, छोटे बच्चों के ऊपर इसका असर इतना पड़ता है कि उनकी ज़िंदगी, उनकी पर्सनैलिटी सबको डैमेज करता है। और इस प्रयास के संग हम लोग को शिक्षा मंत्री जी ने सहयोग करने का ही वादा नहीं किया है, उनका आपको जिस तरह का हमसे पर्सनल कैपेसिटी में या हमारे विभाग से जिस तरह की भी मदद चाहिए होगी हम लोग पूरी तरह से करेंगे, और उन्होंने पूरा विश्वास करा है कि हम लोग इसका हम लोग के साथ देंगे। मैं उत्तर प्रदेश में ये अभियान कितना आगे बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश में 5 कवर किया? जी, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 3 लाख लोगों को, 3 लाख बच्चों को और एडल्ट को मिला के हम लोग अभी तक अवेयरनेस कर चुके हैं इस विषय पे। हम लोग IIT दिल्ली के लिए भी वर्कशॉप करते हैं, वहाँ पे हम लोग इम्पैनल्ड हैं, आर्मी के संग हम लोग इम्पैनल्ड हैं, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस सबके लिए इम्पैनल्ड हैं, और हम लोग इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के संग मिलकर बाल मित्र केंद्र बनाते हैं। मेन ये बाल मित्र केंद्र हम लोग के 6 जगह बने हुए हैं इस टाइम पे, गाजियाबाद में 1 है, हरदोई में 3 है, साहिबाबाद में 1 है, गाजियाबाद में, साहिबाबाद में, और सिद्धार्थनगर में 1 है, 1 गोरखधाम गोरखनाथ धाम का थाना है जो, उसमें 1 बाल मित्र केंद्र बना है। इन बाल मित्र केंद्र का जो एरिया होता है उसमें हम लोग पूरी जागरूकता स्कूलों में और सभी नागरिकों के लिए करते हैं, इससे हम लोग अब तक 3 लाख लोगों को कवर कर चुके हैं। जागरूकता के संग संग इन बाल मित्र केंद्र में हम लोग जो पॉक्सो के जो सर्वाइवर बच्चे हैं उनका रिहैबिलिटेशन भी करते हैं, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देना, उनको लीगल सपोर्ट देना, उनको मेडिकल सपोर्ट देना, उनके पूरे इकोसिस्टम पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग सिर्फ बच्चे पे ही काम नहीं करते, पूरे इकोसिस्टम पे काम करते हैं, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों को उत्तर प्रदेश में हरदोई में दिल्ली पुलिस से और समाज कल्याण विभाग से इसके लिए पुरस्कार भी मिला है कि हम लोग का काम काफ़ी सराहनीय रहा है। मैम क्या ये पुस्तक निःशुल्क विद्यालयों में दे रहे हैं? अभी हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं, पर निःशुल्क में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।